करेंगे तपस्या की। क्योंकि उन्होंने ये श्याम प्रभु मैं बनाया, तपस्या ये श्याम प्रभु मैं बनाया है, उनके ध्यान से ही सबका जीवन सुखमय बना है। जितना हम उनका ध्यान करते हैं, क्योंकि प्रभु का ध्यान करने के लिए अनेक विधियां हैं, उसमें एक विधि है संगीत। संगीत में सात सुर होते हैं, ये सातों सुर परमात्मा के साथ हमारा साथ जोड़ने का कार्य करती हैं। तो ऐसे संगीत में सुरों को साथ में रखते हुए हमने ये संगीत संध्या का आयोजन किया, और अवश्य मैं समझती हूँ आप सबको इसका बहुत बहुत लाभ मिला होगा। मन संगीत में रम गया होगा, परमात्मा के ध्यान में ठहर गया होगा, ऐसी मैं आशा रखती हूँ। ऐसा ही हुआ तो इसीलिए मैं एकनाथ भाई और उनकी टीम का बहुत 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 दिल से धन्यवाद करती हूँ। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने इस पूरे इवेंट को नहीं ऊपर तो अभी जोरदार तालियों से पूरी भावना से हम इनका धन्यवाद करते हैं। साथ में श्रवण भाई भी हैं, विजयलक्ष्मी बहन और महालक्ष्मी बहन भी हैं, इन सबका धन्यवाद करते हैं। और फिर अभी परमात्मा की स्मृति का एक छोटा सा गीत बजेगा, उस गीत में आप परमात्मा का ध्यान करना और अपनी सारी चिंताएं उनके हवाले करना। इससे पहले मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि आकर फूलों से इनका सुशोभन, फूलों से आए हुए इन गायकों का सम्मान करें। आदरणीय एकनाथ भाई, श्रवण भाई, विजयलक्ष्मी बहन, उनका भी हम जोरदार तालियों से थैंक्स करेंगे, और साथ में संगीता बहन, उनका भी जोरदार तालियों से हम बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से करते हैं। फोन कराते Thank you.
कल सवेरे 8 बजे से यहाँ पूरा दिन चलेगा, जो भी यहाँ आना चाहे, और सवेरे यहाँ पर भजन भी होंगे और शाम को भी यहाँ कार्यक्रम रहेगा। यहाँ एक छोटा सा नाटक भी दिखाया जाएगा शाम के समय। मैं दिनेश भाई का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि वो हमारे आमंत्रण पर यहाँ आए। आइए दिनेश भाई, बैठिए। दिनेश भाई ये कलाकार हैं जिन्होंने यहाँ आज संगीत संध्या की है। तो दिनेश भाई का जोरदार कर्तव्य ध्वनि से हम स्वागत भी करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं कि बहुत कम समय के नोटिस पर भी दिनेश भाई आए अपना बहुमूल्य समय लेकर। तो इसीलिए मैं बहनों से पहले नम्र निवेदन करूंगी कि आइए और दिनेश भाई का इस महाशिवरात्रि महोत्सव में स्वागत करें। ये यहाँ के नगर सेवक हैं, परमात्मा ने इन्हें यहाँ की सेवा के लिए चुना है। परिवार के सदस्य भी हैं। मैं दिनेश भाई से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस महाशिवरात्रि के अवसर पर वचन शब्द गए। मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ कि मैं आपको क्या शुभकामनाएं दूँ। मैं खुद आपका आशीर्वाद लेने को यहाँ आया हूँ और मैं यही अभिलाषा मांग रहा हूँ आपसे कि आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए और मेरे हाथों से लोगों का अच्छी सेवा करने का और जनता का मैं अच्छा काम कर सकूँ, यही मैं आपसे आशीर्वाद मांग रहा हूँ। और मेरे तरफ से जो भी आपको सहयोग लगेगा मैं आपको कदम देने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। चाहती हूँ कि आप दिनेश भाई को ऐसा आशीर्वाद दो कि जो भी इनके पास किसी भी समस्या के लिए कभी किसी को मां ना बोले। और ये जो ये प्रोग्राम जो इतना छोटा हो रहा है ये अगले साल और बड़ा होना चाहिए। ओम शांति। ओम बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये आशा अवश्य करेंगे कि जैसे आप हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं वैसे ही परमात्मा का घर है हमारे सेंटर, वहाँ पर भी आप अवश्य आए। ये हमारी बड़ी बेबी की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक निमंत्रण है कि आप इस अवसर पर अवश्य आए। थैंक यू।